सैदपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। सैदपुर क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक द्वारा सैदपुर के नागरिकों को जागरूक किया गया और जनता से कहा गया कि जो अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इस वजह से काफी समस्याएं बढ़ने की संभावना है, इसलिए क्षेत्र के सभी ग्रामीण सावधान रहे। सैदपुर क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षा समिति की बैठक की गई है एवं सभी को जागरूक किया गया। आपको मैं जागरूक करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ, आपको ये मान करके आप लोगों को मैं बुलाया हूँ कि आप लोग अपने समाज का एक मोहल्ले का एक प्रधान व्यक्ति है। आए दिन कोई न कोई आपके आस पड़ोस में जाता है आता है यहाँ पर। अब अभी तक तो हम सैदपुर में यहाँ के लोग सुरक्षित, लेकिन अब बाहर से जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, अन्य स्टेटों से लोग आ रहे हैं जहां पर ज्यादा संक्रमित खतरा आ रहा है। अब खतरा हमारे यहां आ रहा है, अभी सही है, अब हमारे यहां शुरू हो रहा है। ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं इनसे अब हमको डर हो गया है, डर हो गया है। तो उसका बचत का यही है, यदि कोई भी बाहर से आदमी आता है उसकी सूचना कोतवाल साहब को, मुझको, तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, जिसका ही नंबर लगे उसको बताइए कि साहब ये आदमी हमारे मोहल्ले में बाहर से आया हुआ है, इसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जो भी है उपाय वो करिए जिससे कि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो आप लोग जगह के इस क्षेत्र के एक मानिंद व्यक्ति हैं, आप लोगों के समाज में जब आदमी की पहचान है, बैठ है, जब आदमी आपको जानते हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों को सबको बुलवाया हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान लीजिए, समझ लीजिए। यह कमेटी एक मैं बना ले रहा हूँ, उस कमेटी में आप लोगों का नाम है, लेकिन कभी भी कोई ज़रूरत पड़े हम आपको बुला लें, आपसे बात कर लें, आप हमको अपनी बात जो है बता दें, क्योंकि कोरोना का अभी कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो बना नहीं है, इंजेक्शन या वैक्सीन जिससे कि आपका इलाज हो। इलाज व्यक्ति है स्वस्थ रही, यही है कि आप एक दूसरे से कम दो गज यानी दूरी रखें, बराबर हाथ को धोते रहें, मुंह पर मास्क लगाएं। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है यदि आपके यहाँ स्टे करता है, रुकता है, उसकी सूचना हमको दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि किराए पा करके मकान में रहने लगेंगे, आपको पता नहीं। तो आप एक सम्भ्रांत नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप हमको बताएं, हम जो भी होगा उसका इलाज करेंगे, देखेंगे, जो भी हमकी व्यवस्था करनी होगी करेंगे। तो आप लोग इसी चीज के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो ये चल करके और भयानक स्थिति बनेगी। अभी तो अभी ये स्थिति है, तो मई और जून, मई तो चल ही रहा है, जून और जून।